हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कद्दू का खीर। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कद्दू, उसको मैंने छील लिया है और इस पीस में कट कर लिया है। अब इसका हम घिया कस में इसको बिल्कुल बारीक में घिसेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको घिस लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है साबूदाना, उसको मैंने एक घंटा पहले पानी में भिंगो लिया था। आप इसमें मिठास अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है चीनी और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। एक स्पून मैंने लिया है घिसा हुआ ये नारियल का पाउडर और एक छोटे से स्पून में मैंने लिया है इलायची पाउडर। देखिए हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे 4 स्पून घी। हमारा घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक घिसा हुआ ये घिया और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक। देखिए हमारा घिया थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। और इसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही 10 मिनट पकाना है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना ये भिंगोया हुआ साबूदाना। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना चीनी। नारियल पाउडर और इलायची पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही बिना ढके पकाना है 2 से 3 मिनट। देखिए इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है, अब ये हमारा खीर पक चुका है। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसका अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये कद्दू का खीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने घर पे आप इसे बिल्कुल ट्राई करें। थैंक यू।